मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत कटरा प्रखंड के खंगुड़ा गांव के मजदूर महाराष्ट्र के पुणे मजदूरी करने गए थे, जहां गहरे तालाब में डूबने से उनके 3 नाबालिग बच्चे की मौत हो गई, जिसमें रोहित कुमार 10 साल, राकेश 6 साल, श्वेता कुमारी 5 साल शामिल है। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं AY24 न्यूज। दरअसल मामला महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां बिहार से मजदूरी करने अपने परिवार के साथ कटरा के जय किशोर दास गए थे, जहां गहरे तालाब में डूबने से उनके 3 नाबालिग छोटे बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने ना तो कोई FIR दर्ज किया और ना ही पोस्टमार्टम किया और आनन फानन में उसे जला दिया गया। परिवार के लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं औराई विधायक सह भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय जी ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से इस मुद्दे पर बात हुई है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। AY लोकल न्यूज से बोल रहे हैं राजीव। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र के खौड़ा गाँव के मजदूर जय किशोर दास मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गए थे। जी जी, जानकारी मिल गया है। बात कर रहे हैं श्रम संसाधन मंत्री जी से। जी जी, उसमें लाभ मिल सकता है। जी जी, प्रयास कर रहा हूँ जी। वहाँ के जो उनके जो 3 नाबालिग जो बच्चा है, एक रोहित कुमार 10 साल का, राकेश सब रिपोर्ट आ गया रिपोर्ट आ गया जी सर, तो उस पर कार्रवाई होगा ना? श्रम संसाधन मंत्री जी से बात करते हैं। जी जी, क्योंकि इसमें दूसरे राज्य का मामला है। जी जी, और उसमें क्या लाभ मिल सकता है उसको पहले बोलना ठीक नहीं होगा, तो जानकारी ले लेते हैं। जी जी जी, क्योंकि मजदूर वो नहीं मरे, हम उनके बच्चे मरे हैं, ठीक ना? जी जी, इसमें क्या कानूनी है बात हम कर लेते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।